आसानी से कटता नहीं, वो वक्त ना आसानी से कटता नहीं, सीने का दर्द है जो आसानी से मिटता ही नहीं। एक आदत से बन गए हो तुम, एक आदत से बन गए हो तुम जो आसानी से छूटता ही नहीं। ख्वाहिश हो तो मेरी जरूरत नहीं, बस अब थक गई हूँ इंतजार करते करते, बस अब थक गई हूँ इंतजार करते करते, खुद से ही रूठ गई हूँ तुझको मनाते मनाते। लेकिन बस अब और नहीं, हमाना हमाना टूटी जरूर हूं पर बिखरी तो नहीं, हमाना हमाना रोई जरूर हूं पर मरी तो नहीं, हमाना हमाना दिक्कतें हजार है पर चेहरे पर ये मुस्कान तो बरकरार है, हमाना हमाना आज अकेली जरूर खड़ी हो पर इतनी कमजोर भी नहीं। तो बस अब और ना उस चकोर की तरह सिर्फ चांद की चाह नहीं करेंगे, तो बस अब और ना उस चकोर की तरह सिर्फ चांद की चाह नहीं करेंगे, बनके हम सितारा उनके साथ चमकेंगे। मेरा नाम स्वस्तिका राजपूत है और अपने बारे में दो लाइन से कुछ बोलना चाहूंगी कि ना मैं कोई शायर हूँ और ना ही कोई लेखक, कि ना मैं कोई शायर हूँ और ना ही कोई लेखक, ना ही मुझे कोई हुनर तहरीर विरासत में मिली है। मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ जिसने अपने दिल की दास्तां को कुछ कागजों के टुकड़ों पर उतारी है। तो आज वैसे मैं कुछ प्यार पर नहीं बोलने वाली, मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल पोएट्री लाई हूँ आप सबके लिए, कि क्योंकि सब दिल टूटे आशिक बहुत हो चुके हैं यहाँ पर, तो उन सभी के लिए ये पोएट्री मेरे दिल की बहुत खास है, क्योंकि ये पोएट्री मैंने खुद के लिए लिखी थी, खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी, कि जब लाइफ ऐसा होता है ना, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त आते कि डाउन ही डाउन आते रहते हैं, तो उस वक्त मैंने ये लिखा था कि ए दिल तू किस बात से इतना घबराता है, ए दिल तू किस बात से इतना घबराता है, जो तेरा नहीं है उसकी जान है, जो बस तेरा है उसे तू क्यों घबराता है, ए दिल तू किस बात से घबराता है, तो क्या हुआ जो दिल है टूटा, तो क्या हुआ जो दिल है टूटा, कि किसी का साथ जो छूटा, कि तू आज अकेला ही खड़ा है जो तुझे किसी का साथ ना मिला, इस जिंदगी की सफर में भला पता ऐसा किसके साथ नहीं हुआ है। वक्त ने यहाँ सभी को है बांटे, वक्त ने यहाँ सभी को है बांटे, थोड़ी धूप है किसी का हिस्सा तो थोड़ी छांव है किसी का किस्सा, पर तू ही बता कभी एक मौसम पूरे साल रहा है क्या, आज माना थोड़ी सर्द हवाएं और धुंधली राहें जरूर है, आज माना थोड़ी सर्द हवाएं और धुंधली राहें जरूर है, पर कल फिर एक नई सुबह होगी ना, जिसमें एक साफ रास्ता सिर्फ तेरे ही इंतजार में खड़ी होगी। आंख तेरी बेकार ही नम है, आंख तेरी बेकार ही नम है, अरे तू रोता है उसके लिए जिसने तुझे रुलाया है, और उनका क्या जिनके लिए तेरी मुस्कान ही उनके जीने का सहारा है, ए दिल तो किस बात से इतना घबराता है, तो क्या हुआ तो इस भीड़ का आखिरी मुसाफिर, तो क्या हुआ तो इस भीड़ का आखिरी मुसाफिर, कि तू तो इस भागती हुई दुनिया में एक थमा हुआ रहे, कि तेरे अंदर की आग अभी बुझी सी है, अरे तो जब भी अपने सपनों को चुन कुछ अलग करने की सोचता है तो खुद को रोक लेता है, दुनिया क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, उनके डर से अपने सपनों को छोड़ देता है, अरे तू क्यों इस दुनिया के तानों से डरता है, चल तू ही मुझे एक ऐसे महान शख्स का नाम बता जिसे शुरुआत में इसी दुनिया ने पागल ना कहा है। तो क्या हुआ जो तो गिर जाएगा, तो क्या हुआ जो तो गिर जाएगा, कि जब तो गिरेगा तुझे चोट भी बड़ा गहरा आएगा, कि उस गहरे चोट से तुझे दर्द भी बड़ा होगा, पर तू ही बता अगर गिरेगा ही नहीं तो उड़ने का मजा कैसे पाएगा, अरे तो गिरने से डरता एक बार उड़ के तो देख, अरे तो जलने से डरता एक बार खुद के अंदर चिंगारी लगा के तो देख, ऐ दिल तो किस बात से इतना घबराता है, जो तेरा नहीं है उसकी जान है, जो बस तेरा है उसे तू क्यों घबराता है, ऐ दिल तो किस बात से इतना। और लास्ट में कुछ दो लाइन से खत्म करना चाहूंगी कि जिंदगी से जब मेरी नोकझोंक हो जाती है तो मैं दो लाइन में उसका रिप्लाई उसको इस तरह करती हूँ कि इतने हल्के में मत आग जिंदगी, इतने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूं ना वो तुझे अभी बताना बाकी है, कितने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूं ना वो तुझे अभी बताना बाकी है, अभी तो तुमने बस मेरे पंख देखे हैं, अभी मेरा उड़ना बाकी है।